मध्य प्रदेश के बड़वानी सेंधवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक को मुखबिर की सूचना मिली थी कि गुना का व्यक्ति अवैध रूप से हथियार खरीद रहा है, जिस पर SDOP तरुण सिंह बघेल की टीम व शहर थाना टीम वरला थाना की टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। SDOP और उनकी टीम की बड़ी कार्यवाही की तो शहर थाना प्रभारी और दबिश टीम को बड़वानी SP ने नगद पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसमें आरोपी अरविंद पिता लालजी राम उम्र 26 निवासी कमलापुरा थाना गुना केंट का मिला, जिसकी तलाशी लेने पर मौके से 2 पिस्टल व 2 मैगनीज भी मिली। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि यह पिस्टल ज्योत सिंह पिता मंगल सिंह बरनाला निवासी शाहपुरा द्वारा 16,000 रुपए में खरीदी है। वहीं सिकलीकर जय सिंह के घर पर दबिश दी गई। इस दौरान 2 पिस्तल व 6 जिंदा कारतूस 11 कारतूस के खाली खोके और मैगनीज जब्त की। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। गिरफ्तार किया गया अरविंद सनाफ लालाजी राम राजपूत, उम्र 26 साल निवासी पगारा, पुलिस स्टेशन गुना कैंट जी, और दूसरा है जोश सिंह सनाफ मंगल सिंह बरनाला 48 साल शाहपुरा। इनके पास से क्या जब्त हुए थे? 4 पिस्टल और पूरा पिस्टल बनाने का कारखाना। किसके घर से जब्त हुआ ये? जोत सिंह के घर से जब्त हुआ है। सिकलीगर है सर? सिकलीगर। और गुना के व्यक्ति को कब पकड़ा गया? आज ही, आज गुना के व्यक्ति को आज ही पकड़ा गया। उसके पास से और उसे जब पूछताछ की गई तो उसने जोत सिंह से बताया कि जो जोत सिंह से मैंने खरीदा था, और जोत सिंह के घर में जब तलाशी ली गई तो जोत सिंह के घर से कारखाना और 2 पिस्टल अलग से पाई गई जो अवैध थी, जिन्हें आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है।